Samadhan, Samadhan, Samadhan. Samadhan, Samadhan, Samadhan. Samasya se ubharna अगर चाहे इंसान स्वयं के संग सर्व का वो दिल से करे सम्मान कहता है ये समाधान 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 समस्या से उभरना अगर चाहे इंसान स्वयं के संग सर्व का वो दिल से करे सम्मान कहता है ये समाधान 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 तनाव बन मुटाव की अगन से स्वयं तू संभल ले है इसी में शांत दूरियां दरारे मिटाए मन से जीवन बन जाएगा खुशियों की खान खुशियों की खान कहता है ये समाधान समाधान नमस्कार आदाब सत श्री अकाल मित्रों स्वागत है आप सभी का करने समस्या का समाधान हमारे साथ हैं एक खास मेहमान कार्यक्रम में मित्रों आज हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारीज की वरिष्ठ राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी डॉक्टर निर्मला दीदी जी जो कि 1962 से ही इस विश्वविद्यालय से जुड़ी हुई हैं और देश विदेश में यात्राएं करते हुए सबके जीवन में आध्यात्म की ज्योति प्रज्वलित करती रहती हैं वर्तमान में आप एशिया पैसिफिक रीजन में जो भी कंट्रीज हैं उनमें ब्रह्मा कुमारीज के केंद्रों की निदेशिका हैं साथ ही ब्रह्मा कुमारीज का जो आईटी विंग है उसकी भी आप चेयरपर्सन हैं अनुभव की धनी आदरणीय दीदी आज हमारे साथ हैं आइए उनका अभिनंदन करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं दीदी बहुत बहुत स्वागत है अभिनंदन है आपका ओम शांति दीदी मेडिटेशन एक बहुत ही सुंदर सी चीज है हमारे प्रधानमंत्री महोदय ने भी अब योग को पूरे विश्व तक पहुंचा दिया है तो एक योग तो है जो हम शरीर की क्रियाओं के माध्यम से करते हैं क्या राजयोग में शरीर की क्रियाएं भी जुड़ी हुई हैं या राजयोग कोई और क्रिया है राजयोग मन से जुड़ा हुआ है शरीर से नहीं जुड़ा है परंतु क्या है जब मन शांत है मन खुशी में है जी तो तन भी तंदुरुस्त रहता है लोग समझते हैं कि तन बीमार है इसलिए मन अशांत है परंतु आज के डॉक्टर्स ने रियलाइज किया है कि 90% जो पेशेंट जनरल प्रैक्टिशनर के पास आते हैं जी वो साइकोसोमैटिक है 90% 90 और इवन 95 में भी क्या है कि समझो किसी को चिंता है जी तो उसका भी असर हमारी सब अंदर की इंद्रियों पर पड़ता है चिंता है स्ट्रेस है गुस्सा है परिस्थितियों से क्या होता है कि हमारा नर्वस सिस्टम एंडोक्राइन सिस्टम जो आंतरिक ग्रंथि है जी जी उसके ऊपर असर होता है इस कारण हमारे ब्लड प्रेशर में फर्क हो जाता है हमारी श्वास क्रिया में फर्क हो जाता है इसके कारण पल्स रेट में फर्क हो जाता है तो इस कारण देखा गया है कि पेशेंट डॉक्टर्स के पास अलग अलग सिम्टम लेके आता है ऐसे नहीं एक ही सिम्टम क्योंकि कोई आएगा कि मुझे बहुत सर में दर्द है कोई कहेगा गर्दन में दर्द है कोई कहेगा कमर में दर्द है तो जितना सर पर हम बोझ उठाते हैं ना तो सर पर दर्द है कमर में दर्द है आदि आदि और हम देख रहे हैं मेजोरिटी बच्चों को भी जवानों को भी आजकल यही बीमारी होती है
फिर हमारी पाचन क्रिया पर भी उसकी असर होती है, गुस्सा करते हैं, चिंता करते हैं, एसिडिटी बढ़ जाती है, तो पेट में चांदी पड़ जाती है जी जी। फिर हम देखते हैं, आपको भी कईयों को अनुभव होगा, जब नर्वस हो जाते हैं ना, बहुत पसीना छूटता है या हाथ पांव कांपते हैं बिल्कुल, और डायरिया वॉमिटिंग ऐसा भी हो सकता है। तो करके पानी का हवा का तो असर है ही जी। पर ज्यादा मन का, क्योंकि क्या होता है, एक ही संगठन में समझो किसी को इन्फ्लुएंजा है जी, फ्लू की बीमारी है, सर्दी है, खांसी है, वो कईयों के संगठन में वो बीच में व्यक्ति आई है, सबको खांसी जुकाम या फ्लू की बीमारी नहीं होती, किसी को होती, क्यों, वो स्ट्रेस में है, बहुत थका हुआ है, तो उससे क्या होता है, उसकी बीमारियों से फाइट करने की शक्ति कम हो जाती है, इम्यून सिस्टम पे भी मतलब इसका इम्यून सिस्टम पर असर होता है जी जी जी। तो क्या होता है कि उसके अंदर जो भी आसपास के बैक्टीरिया है, वायरस है, वो उसका सामना नहीं कर सकते हैं, इसलिए ये बीमारी होती, इतने तक कि किडनी की बीमारी, स्किन की एलर्जी, एक्जेमा, सोरियासिस जैसे स्किन की बीमारियां भी स्ट्रेस के कारण हो सकती है जी जी। स्ट्रेस के कारण हर्पीस की बीमारी, जो वायरस हमारे शरीर में अंदर बैठी रहती है, आज बचपन में हमें कोई भी बीमारी होती है जैसे शीतला, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स आदि जो होता है ना जी जी, उसके कीटाणु वायरस शरीर में होते हैं, और जब हमें स्ट्रेस होता है तो उस समय वायरस एक्टिव हो जाती है, और इस कारण हर्पीस जैसे होता है, जो बहुत जलन होती है, तो ऐसी ऐसी बीमारियां होती है, इतने तक कि समझो नेगेटिव फीलिंग के कारण कैंसर भी हो सकता है। मेरे पास एक पेशेंट आई जी, उसको उसके भाई ने बचपन में बलात्कार किया था, घर का ही जब समझो जैसे घर का ही चोर है, तो क्या हुआ कि उसको भाई के प्रति इतना वैर भाव था, उसको कैंसर हो गया यूटेरस का, फिर किडनी भी ट्रीटमेंट ले हुए, जब तक उन्होंने भाई को माफ नहीं किया तब तक वो बीमारी क्या है, आगे बढ़ती जाती, कम नहीं होती, क्या चाहे ऑपरेशन भी करो, कीमोथेरेपी भी लो, तो स्पेशलिस्ट डॉक्टर ने उसको मेडिटेशन के लिए भेजा कि तुम वहां जाकर अपने को वैर भाव निकाल के उसको उसके भाई को माफ कर दो। तो क्या होता है कि जब तक हमारा नेगेटिव भाव बदलता नहीं तब तक बीमारी नहीं बढ़े। तो इसलिए हमने देखा मेडिटेशन से क्या होता है, हमारे मन को हम परिवर्तन कर सकते हैं, हमारे संस्कारों को परिवर्तन कर सकते हैं जी। गुस्से वाले कई लोगों को हमने देखा है मेडिटेशन से शांत हो गए, कई ड्रग एडिक्ट्स को देखा है मेडिटेशन से उनके अंदर विल पावर आती है, उससे और मुक्त हो जाते हैं हाँ जी। और मेडिटेशन से क्षमा भाव बढ़ता है, तो इसलिए क्या है, वैर भाव मिट जाता है। जब हमारा वैर भाव मिट जाएगा तो पुरानी बातें भूल जाएंगी, पुरानी बातें भूल गई, वैर भाव मिट गया, फॉरगिव एंड फॉरगेट। मन को कैसे गाइड करना है, फालतू संकल्प में, चिंता करने में, क्योंकि लोग कहेंगे परिस्थिति ऐसी है, चिंता तो होंगी ना, परंतु सोचने से तो चिंता नहीं, समस्या को सोचने से जी वो दूर नहीं होगी, समस्या दूर नहीं होने वाली है जी जी। इसलिए
जितना जितना परमात्मा से शक्ति लेते जाएंगे, उसका समाधान यही है, परमात्मा से शक्ति लेकर हमारा मन दूसरी दिशा में डाइवर्ट करे। जी जी, मतलब पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाए, और शक्ति भी लेनी पड़े ना। आज हमारे में गुस्सा है, माना सहन शक्ति कम है, जी जी। तो यदि सहन शक्ति मैंने धारण कर ली, लिए हमारा प्रेम है, तो जैसे हम अपने बच्चों के लिए प्रेम है, वो नटखट है, क्षमा कर देते हैं, जी जी। और उस प्रेम के कारण बच्चे बदल भी जाते हैं। तो इसलिए हमने देखा है कि मेडिटेशन के अभ्यास से हमारा स्वभाव, संस्कार, हमारा स्नेह बढ़ता जाता है जी। जिस कारण अभी स्नेह है तो वैर नहीं रहेगा। तो क्या दीदी, जो मेडिटेशन की प्रैक्टिस करते हैं, आप भी लंबे समय से कर रही हैं और भी ब्रह्म कुमारी इसके भाई बहने कर रहे हैं, तो क्या वो बीमारियों से पूरी तरह से मुक्त हो जाते हैं इस अभ्यास को करने से? देखो, बीमारियों से कभी मुक्त ना भी हो, परंतु पेन से तो मुक्त हो सकते हैं। क्योंकि हमने बहुतों को देखा है, जी जी, हमारी कई दादियों का ऑपरेशन हुआ, इंजेक्शन दिया, इंट्रावीनस फ्लूइड चढ़ाया, परंतु चूचा नहीं की। मुझे याद है हमारी एक दादी ने ऑपरेशन कराया था, उसी हॉस्पिटल में एक सन्यासी ने ऑपरेशन करा, जी। और वो सन्यासी तो चिल्लाता था, बुलाता था, ये करो, वो करो, वो करो, और हमारी दादी जो थी बहुत शांत थी। तो डॉक्टर ने कहा कि उस माता जी को देखो कितनी शांत। ये मेडिटेशन एग्जाम्पल बन जाते हैं। जी 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 जी। तो क्या है, दर्द को सोचने से दर्द बढ़ जाता है। परंतु मेडिटेशन से हम क्या कर सकते हैं, इस शरीर से पार, जी, दर्द से पार। जैसे अपने माइंड को हम बिजी रखेंगे, आज कोई टीवी में देखने में बिजी है, जी, बहुत कंसंट्रेशन है वहाँ, तो क्या है, पेट का दर्द भूल जाएगा, भूख भूल जाएंगी, थकावट भूल जाएगा, सब कुछ भूल जाता है। तो इसी से क्या है, मेडिटेशन से हम इस दुनिया से, प्रॉब्लम से पार हो जाते। जब हमारी बुद्धि उससे बहुत ऊपर है, प्रॉब्लम साधारण हो जाएगा। जी जी जी। तो ये देखा गया है, समस्या जरूर आती है, लेकिन समस्या समस्या नहीं लगती, उसको आसानी से पार कर लेते हैं। हाँ, जैसे पहाड़ है, हम उसी लेवल से देखेंगे तो कहेंगे बहुत बड़ा पहाड़ है, जी जी। पर जब विमान से देखेंगे तो कहेंगे इतना छोटा पहाड़ है, जी जी। तो इसी रीत से समस्या को हम ऊपर से देखते हैं तो छोटी देखने में आएंगी, जी जी। जब सामने देखते हैं तो समझते इतनी बड़ी समस्या है, जी जी जी। इस कारण हमारी परिस्थिति बिगड़ती है, बिल्कुल। और ये इसी कारण लगता है कि ब्रह्मा कुमारी के जितने भी भाई बहन हैं, सबके चेहरे पे एक सुंदर सी मुस्कान हमेशा रहती है। तकलीफें भले हों शरीर की, लेकिन चेहरे की मुस्कान हमेशा ही कायम रहती है। यदि क्या आपके जीवन में कभी ऐसा हुआ कि कोई शारीरिक व्याधि आई और आपने उस पे मेडिटेशन का सुंदर अभ्यास किया और उसे ठीक किया? एक डेढ़ साल पहले क्या हुआ, हमारे ब्लड में एनीमिया हो गया, और ये एनीमिया ऐसे था जिसमें हमारी ही वाइट ब्लड सेल हमको प्रोटेक्ट करने के बजाय, हमारी जो रेड ब्लड सेल है, खून जो बनाती है, उस पर अटैक करके उसको ख़त्म करती थी। हमको लार्ज डोज स्टेरॉइड का तो दिया, तो हमने कहा ठीक है, स्टेरॉइड तो लेना ही पड़े जी। परंतु विजुअलाइजेशन थेरेपी करके एक थेरेपी है कि हम विजुअलाइज करते हैं कि हमारी वाइट ब्लड सेल ऑर्डर में चलती है, हमारा बोन मैरो ठीक काम करता है, रेड सेल ठीक प्रोड्यूस करता है। तो हमने दोनों किया, दवाई भी की, जी जी, खान पान में भी ज्यादा बीटरूट है, टमाटर है, ग्रीन सब्जियां हैं, ये लिया, तो तीनों किया। परंतु बहुत योग किया, शरीर को ही
योग की किरणें देती रहे कि हमारा ब्लड क्लीन हो जाए और एक दो बास में रिजल्ट आ गया अच्छा। वाह वाह सुंदर। तो एक तो ये था, दूसरी बड़ी हमको बीमारी आई 2011 में, जीबी सिंड्रोम कहते हैं, गलनबरी सिंड्रोम। वो वन इन मिलियन, एक व्यक्ति 10 लाख व्यक्तियों में ये बीमारी होती है। और वो मुझे थाईलैंड में शुरू हुई। उसमें क्या होता है कि हमारी नर्व पैरालिसिस हो जाती है, हाथ हाथ पांव से शुरू होता है, धीरे धीरे ऊपर आता जाता है। जी, जी। तो हमारा शुरुआत पांव से, कि हमारा पांव पर कंट्रोल नहीं रहे, मैं खड़ी नहीं हो सकती, सीढ़ी उतरती थी गिर जाती थी, अपने आप बैठ नहीं सकूं, उठ नहीं सकूं, धीरे धीरे मैं लिख भी नहीं सकती थी, लिखना बंद हो गया, हाथों तक प्रभाव आ गया, हाथ अंगुली काम नहीं करती थी। जी जी। तो समझो थाईलैंड में बीमारी हुई और वो लोग परख नहीं सके, और उन्होंने जो ट्रीटमेंट दिए उसमें गड़बड़ ये गई हो गई कि हमारे को डायरेटिक का डोज डबल दे दिया। तो क्या हुआ, हमारा पोटेशियम कमी हो गया शरीर में, तो और भी तकलीफ हो गई। तो न मैं खा सकूं अपने हाथ से, न मैं स्नान कर सकूं, टॉयलेट में जा सकूं, सब हमको किसी को कराना पड़ा। अब हमने कहा कि मुझे इंडिया में जाना है, बॉम्बे में जाएंगे इलाज करेंगे। तो कहा जब तक पोटेशियम ठीक नहीं हुआ हम नहीं जा सकते हैं। और फिर डॉक्टर हमारे साथ और एक थाईलैंड की बहन हमारे साथ यहाँ तक आए, और लकीली यहाँ आने के बाद एक दिन में यहाँ के डॉक्टरों ने बीमारी परख ली। अच्छा, बॉम्बे में। बॉम्बे में वहाँ वो समझते थे हमारी नर्व पर प्रेशर होता है, पर यहाँ टेस्ट करके एक दिन में डॉक्टरों ने परख लिया। फिर भी हमको समझो 2 हफ्ता तो हॉस्पिटल में हाई डोज डे नाइट ये लेना पड़ा, इंट्रामिनस स्टेरॉइड। जी जी। और हमको जो इमरजेंसी वार्ड में आईसीयू में रखा, सब पेशेंट रोज मरते रहे, रात में चिल्लाते रहे, एक कोई पेशेंट पागल थी वो चिल्लाती रही सारी रात। तो एक दो रात तो नींद करना भी मुश्किल हो गया, पर हम बाबा की याद में मेडिटेशन में रहती थी। और फिर जब प्राइवेट रूम अकेले का मिला तो थोड़ा कुछ शांति हुई। तो क्या है कि 2 हफ्ता जब हॉस्पिटल में रहना पड़ा जी, तो और तो कुछ कर नहीं सकती थी, आपने मेडिटेशन शुरू कर लिया। मेडिटेशन ही तो ये देखा है जी जी, कि जब भी मैं ऑस्ट्रेलिया में भी टाइम था शुरू में कि सारा दिन मैं अकेली, सवेरे मुरली पढ़ लिया और कुछ काम नहीं, और वहाँ तो दादियाँ भी नहीं थी, अकेली थी, बाबा का ही सहारा था जी। तो जितना हमको बाबा की याद इंडिया में नहीं थी, इतनी ऑस्ट्रेलिया में पहले पहले याद रहती थी, उसका सहारा लिया जी जी। और नेचुरली है कि धीरे धीरे परिस्थितियाँ ठीक होती गई। ऐसे इंडिया में भी एक्सरसाइज करनी पड़ी 2-3 हफ्ते तक, यहाँ आकर भी एक्सरसाइज करनी पड़ी, परंतु बाबा की याद से हमने देखा कि हमारी स्थिति अच्छी रही, सहयोग भी मिलता रहा। ये है कि जब हम बाबा की याद में रहते हैं सहयोग ऑटोमेटिक मिल जाता है। जी जी। आपने कुछ खास अभ्यास दीदी इसके लिए भी किया, क्योंकि आपने कहा कि ये तो लाखों में किसी एक को होता है ऐसी वाली तकलीफ, क्या कुछ खास योग की भी आपने प्रैक्टिस की या परमात्मा की कोई खास मदद की अनुभूति ऐसे समय पे रही? मैं समझती हूँ कि जो भी दुनियावी सहारा है अच्छा है जी, परंतु मैंने हमेशा ये बुद्धि में लक्ष्य रखा कि
किसी से देहधारी से मोह ना हो और लकीली ये मेरे बचपन से ही संस्कार थे, किसी में मोह नहीं था, प्यार था। हमने घर छोड़ के सेंटर पर रहने आई, न मुझे दुख हुआ न मेरी माँ को दुख हुआ। मतलब माँ भी आपके जैसे ही थी। मेरी माँ जब मेरी बहनें ससुर घर गई तो रोती थी, बहनें भी रोती थी, माँ भी रोती थी। अभी मैं सेंटर पर रहने गई, न मैं रोई न माँ रोई। तो इसलिए नष्ट मोहा का मुझे संस्कार तो था ही जी जी। तो इसलिए समझो मुझे पहले से ही परमात्मा का सहारा अच्छा रहता था। इसलिए जब भी ऐसी भी मुसीबत आती है जी, मैं कहती थी भगवान मेरा साथी है, आंधी तूफान क्या करेंगे। सत्य के रास्ते पर चलते हैं जी, नाव डोलेंगी डूबेंगी नहीं, ये मुझे पूरा विश्वास था। इसलिए जब भी परीक्षा आई मैं धीरज से बाबा की याद से और जो भी सीनियर्स जैसे भी मदद करें, पत्र व्यवहार आपस में मिलजुलना, क्योंकि शुरू में तो फोन की इतनी सुविधा नहीं थी जी, जी, जी। पत्र व्यवहार और भी पत्र लिखो पीछे 4-5 हफ्ते के बाद जॉब आएगा। तो ये जो तकलीफ थी फिर कितने समय में आप योग के माध्यम से इसे बाहर आ गए? बीमारी में समझो जो जीबी सिंड्रोम हुआ था पहला 2011 में, मैं समझती हूँ 5-6 वीक में मैं नॉर्मल हो गई। आमतौर पे कैसा रहता है दीदी, जो संसार में लोगों को होता है क्या वो रिकवर कर पाते हैं या क्या इतनी जल्दी रिकवरी हो पाती है उनकी? ये सिंड्रोम तो इतना कॉमन नहीं है और मैं किसी के कांटेक्ट में नहीं आई। मैं सिर्फ एक व्यक्ति को जानती हूँ जो बम्बई की योगिनी है, इसके बहनों है, उसको ये बीमारी छाती तक आ गई कि ये बिल्कुल सांस नहीं ले सकता था। तो वो 6 महीना हॉस्पिटलाइजेशन उसका हुआ, दोबारा हुआ उसको जी। मतलब बहुत क्रिटिकल सिचुएशन उसकी हो गई, ऐसे हुआ कि बस गया कि गया जी जी। तो मैं तो बहुत लकी हूँ कि मेरा पांव से शुरू हुआ और पांव तक ही रहा सीमित, या हाथ तक ही सीमित रहा, यहाँ नहीं आया, ब्रेन में नहीं पहुंचा जी जी जी। तो समझो अभी भी आज मेरी 82 की आयु है, मैं देखती हूँ हमारी कई 75 की बहनों से मेरा और भी अच्छा तंदुरुस्ती है, मैं इंडिपेंडेंटली सब कुछ कर सकती हूँ। जी जी जी, सबकी दुआएं और सेवाओं की बहुत दुआएं आपके साथ साथ है दीदी, तो इसीलिए आपका स्वास्थ्य। साथ साथ मैं कहूँ मेरा ये भी भाग्य है कि शुरू से हमारी तबीयत अच्छी रही, बैलेंस डाइट रहा, तो एज अ डॉक्टर भी मैंने ध्यान रखा जी। हमारे लौकिक पिताजी भी हमेशा ख्याल करते थे कि क्या सात्विक फूड है, कैसे खाना है आदि आदि जी जी। तो फिर भी हमारे परिवार से हमारी बहनें हैं भाई है 62-64 की उम्र में कईयों ने, तीनों ने तो शरीर छोड़ा हमारे से यंग जी जी। हमारी बड़ी बहन है वो 82-83 थी, हमारी माँ ने 82-83 कर दिया, परंतु हमारे तीन छोटे भाई बहनों ने तो ऑलरेडी शरीर छोड़ा। चलिए आप दीदी दीर्घायु हो और स्वस्थ रहते हुए सारे संसार की ऐसी ही सेवा करते रहें और सभी को प्रेरित करते रहें। आपकी उपस्थिति ही सबको सचमुच संजीवनी का कार्य करती है, सबको सुख आनंद और शांति की अनुभूति कराती है। आपकी दीर्घायु की हम कामना करते हैं, यहाँ आने के लिए सुंदर अनुभव के लिए दीदी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मित्रों मेडिटेशन सचमुच कितना कारगर है ना, यदि हमें कोई तकलीफ है बीमारी है तो उसे भी दूर करने में वो मदद करता है, और साथ ही यदि तकलीफ आ गई है तो उस समय मन की स्थिति को शांत रखना, धैर्यवत होना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि कई बार
हम असहज होकर या अपनी धैर्यता को खोकर के और भी उल्टे सीधे काम करने शुरू कर देते हैं। और कई बार लोग ये कहते भी हैं, डॉक्टर्स भी ये कहते हैं कि जितना ज़्यादा आप खुश रहेंगे, शांत रहेंगे, उतना ज़्यादा ये जो मेडिसिन हम दे रहे हैं वो कार्य करेंगे। मेडिटेशन के माध्यम से क्यों ना हम भी मन को शांत रखते हुए और प्रसन्न रखते हुए अपने जीवन को सुंदरतापूर्वक जीते चलें। और दीदी जैसे एक बहुत सुंदर बात कह रहे थे मित्रों, और आजकल मेडिकल साइंस भी इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा कार्य कर रही है कि मन के द्वारा ही बीमारियाँ तन तक पहुँचती हैं। पहले ये सोचा करते थे हम कि तन अस्वस्थ है तो शायद हमारा मूड खराब है, मन नहीं लग रहा है कहीं, लेकिन मन खराब है या मूड ऑफ है तो उसकी जो स्थिति है, प्रभाव है, वो हमारे शरीर तक पहुँचती रहती है। तो क्यों ना मेडिटेशन के माध्यम से ईश्वर का ध्यान करते हुए हम अपने मन को स्वस्थ रखें तो तन भी स्वस्थ रहेगा और जीवन का हम संपूर्ण आनंद ले पाएंगे। आप संपूर्ण स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ नमस्कार। धैर्य और दृढ़ मनोबल से कर दे तू पल भर में मुश्किलें आसान, कटनी समकरनी के पावन जल से स्वर्ग बन जाएगा सारा ये जहान। सारा ये जहान कहता है ये समाधान, समाधान।